हे दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया है। देखो, आज के दिन ये वाला वीडियो नहीं आना था। मैं अलग टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लैश स्क्वाड के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा था 1v1 के लिए, लेकिन ये एक ज़रूरी खबर आई। तो देखो यार, ये मेरा कोई न्यूज़ चैनल है नहीं, लेकिन आपको सतर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज़ें आप में आपके साथ भी हो जाता है तो आईडी आपकी पूरी तरीके से बैन हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता भाई उसके बाद, ठीक है। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ है, देखो सीन इंडिया में नहीं, सीन पाकिस्तान में हुआ है। तो कल रात पाकिस्तान के 50% जो फ्री फायर यूजर्स की अकाउंट्स है उनको बैन कर दिया है गरीना ने। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है गरीना ने, ठीक है। अब क्यों किया है, क्योंकि कल रात गरीना की जो टॉपो वेबसाइट थी तो वहाँ पे कुछ ग्लिच चल रहा था, ठीक है। तो हमारे जैसा है ना, इंडिया में गेम्स खरीदो और भी कुछ ऐसे कोड़ा शॉप, ठीक है, ऐसे कुछ साइट है, तो पाकिस्तान में अलग अलग साइट्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ग्लिच चल रहा था कि ऐसा ग्लिच चल रहा था कि बस भाई जो भी बंदा आता है अमाउंट डालता है और उसका टॉपअप हो जा रहा है। कोई पेमेंट करके करने की जरूरत नहीं है, बस अमाउंट डालो टॉपअप हो गया। मतलब ऐसे करके काफ़ी बंदों ने मतलब 10-10 लाख के टॉपअप कर दें भाई। एक बंदे ने 10 लाख का टॉपअप कराए फ्री में, समझ रहे हो। मतलब कल गरेना को करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ ना भाई, गरेना ने अपनी तरफ से सीधा सीधा ये अनाउंस कर दिया कि 50% से ज़्यादा अकाउंट को हम लोगों ने बैन कर दिया है, और तुम्हारा अकाउंट तभी मिलेगा जब तुम उतने का रिफंड करोगे, ठीक है। यानी कि वापस से पेमेंट अगर करते हो तो तुम्हारा आईडी तुम्हें मिलेगा, नहीं तो भाई भूल जाना अपनी आईडी, ठीक है। और ऐसा सच में हुआ भी है, बैन कर दिया गया है। और देखो हुआ क्या कि ज़्यादा टॉपअप करने के वजह से जो भी गिल्ड्स थे और बैजेस तो भाई लाखों में खरीदे गए हैं कल, और जो गिल्ड थे वो गिल्ड मतलब टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, रीजन में टॉप पे आ चुके हैं, और क्या ही बोले भाई, ग्लोबल में टॉप पे आ चुके हैं, सॉरी यार ग्लोबल बोल दिया, रीजन में टॉप पे आ चुके हैं वो लोग। वो गिल्ड मतलब जो हज़ार हज़ार के गिल्ड थे वो मिलियन पे हैं। गिल्ड के ग्लोरी आप यकीन नहीं करोगे, मिलियन पे ग्लोरी हैं गिल्ड के, ठीक है। तो ये सीन हुआ है पाकिस्तान में, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई सीन अगर इंडिया में होता है तो बिल्कुल भी सतर्क रहना, ठीक है, बिल्कुल ही सतर्क रहना। और एक चीज़ मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, गरेना ने ट्विटर में अपना ये वाला पोस्ट डाल दिया था। देखो एक चीज़, मतलब किसी का घर का दरवाज़ा और खुला है ना, तो ये मत सोचना कि भाई तुम्हें उसके घर के अंदर जाने का लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। अगर ये उनका घर है, उन्होंने छोड़ा था, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम उसका फ़ायदा उठाओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो समझ गए भाई, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो बस इतना ही बोलना था कि भाई सावधान रहो, सतर्क रहो, अगर ऐसा कोई ग्लिच आता है। देखो जो लोग इस ग्लिच को मतलब वायरल करा रहे थे ना भाई, फ़ायदा उनका ही हुआ भाई, उनको ऑडियंस मिल गए, उनको उनका ज़्यादा क्या बोलूँ भाई, पैसे उन्होंने कमा लिए भाई, तुम्हारा आईडी चला गया, ठीक है। तो ऐसे स्कैमर से यार बचो यार, मतलब जो भी ऐसे यूट्यूबर लोग मतलब फालतू की चीज़ें बताते हैं ना, इंडिया में भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में ये घटना हुई है और इंडिया में कुछ नहीं, इंडिया में है, ठीक है। ऐसे तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन बता देंगे टॉपअप मारने के, वहाँ पर होंगे भी काफ़ी कम रुपये में टॉप मतलब डायमंड दे रहे होंगे, इस तरह की साइट से भाई बचो। सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ ही ऐसे साइट्स है, गेम्स खरीदो, कोडा शॉप, और गेम शॉप्स का एक वेबसाइट था वो अभी बंद हो चुका है, गेम शॉप्स और कोडा शॉप और तुम्हारा गेम्स खरीदो, तो ये दोनों वेबसाइट मतलब जेन्युइन है, तो इन्हीं से टॉपअप करना, और बाकी तुम्हारा रिडीम कोड वाला हो गया, ठीक है। बस वीडियो का मकसद यही था कि तुम्हें बताऊं कि भाई क्या सीन हुआ है और आप कैसे सतर्क रह सकते हो, बस और कुछ नहीं भाई। वीडियो चलो यार, वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो लाइक कर लेना, और इसके बाद वाला वीडियो आने वाला है 1v1, कल आएगा, ठीक है, कल सुबह तक आ जाएगा शायद वीडियो, ठीक है। कस्टम में 1v1 कैसे जीता है, इस उसका टिप्स एंड ट्रिक्स आ रहा है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि कल सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस वीडियो का, अगर आप ये स्टेप करते हो, सब्सक्राइब करना है उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलता हूँ किसी मतलब मिलता हूँ कल वाले वीडियो में, ठीक है, बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 50% आईडीज पाकिस्तान सर्वर की आज बैन हो गई, गरीना ने की है, और मतलब सर गरीना की मतलब कह के ले ली पाकिस्तान ने, वर्ल्ड पे सारे पाकिस्तानी, और ये वो मतलब पूरी गेम ख़राब कर दी, पाकिस्तान का पूरा सर्वर खराब हो गया, नीचे वाली गिल्ड्स ऊपर आ गई, वीकली ग्लोरी मिलियंस में, और मतलब मैं कह रहा हूँ सर पाकिस्तान सर्वर में कल पता है क्या हुआ, कल पाकिस्तान सर्वर में ना ग्लिच हो गया, और उनकी टॉपअप वेबसाइट पर ना मतलब कोई ग्लिच चल रहा था, तो कल गरीना को ना मतलब करोड़ों का लॉस हुआ पाकिस्तान सर्वर से, ग्लोबल पे मतलब एक एक बंदे ने 10-10 लाख का टॉपअप किया फ्री में, 10 लाख का टॉपअप एक बंदे ने फ्री में किया, मतलब 40% ऑडियंस ने फ्री टॉपअप किया, और एक एक बंदे ने 10-10 लाख का टॉपअप किया, ग्लोबल में सारे पाकिस्तानी आगे बैचेस में, गिल्ड्स की ग्लोरी मतलब 5-5, 6-6 मिलियन तक चली गई एक दिन में, वीकली में, वीकली ग्लोरी 5-5, 6-6 मिलियन, मतलब इंडिया की टॉप गिल्ड हैं 5-5, 6-6 मिलियन वाली, वर्ल्ड की टॉप गिल्ड 8 मिलियन पे है,
पाकिस्तानी गिल्ड्स के टॉप अप, उसके अलावा मतलब हर चीज इधर उधर होगी, पूरा सर्वर तबाह हो गया एक साहब का उनका।